नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं डब्बो कॉलोनी स्थित BVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और शिक्षा विभाग के जो दिशा निर्देश क्या उसी के तहत कोरोना काल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं। आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़े रहे, सीधे सीधे आपको लेकर के स्कूल में चलेंगे और क्लासेज में कुछ बच्चों से बातचीत कराएंगे, जो आज अभिभावक और स्कूल के बीच एक गैप बनता दिखाई दे रहा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों से पूछेंगे, बेटा किसी तरीके की परेशानी थी स्कूल में, क्या कोरोना काल में जो है क्या फीस के लिए दबाव तो नहीं दिया जा रहा किसी वजह से, वो सारी चीज़ें हम आप जानेंगे पहचानेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइव कार्यक्रम होगा। बच्चों कौन सी क्लास है? बैठिए 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 बेटा। अच्छा बच्चों ये बताइए, स्कूल में पढ़ना ज़्यादा ठीक है या घर पर पढ़ना ज़्यादा ठीक है? खड़े होकर के कोई बच्चा बताए, क्यों? कोई बच्चा खड़े होकर बता दो बेटा। मैं आऊँ? आप बताएंगे? मास्क नीचे करिए बेटा जी। बताइए अपना नाम, बताइए स्कूल का नाम। मेरा नाम रुस्तम है और मैं VVM स्कूल में पढ़ता हूँ जी। और मुझे लगता है सर कि स्कूल में पढ़ना सही रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई टीचर रहते हैं। और कोई बच्चा सही पढ़ा बेटा बताओ? चलिए कोई नहीं, बच्चे हैं कैमरे के सामने आने में हिचके से आते हैं कई बार। सर आप लोगों ने लाइव ऑनलाइन क्लासेस दी हैं क्या? दी हैं। क्या समस्याएं आती हैं? उसमें बच्चे बोलते हैं उतना समझ में नहीं आता है, और यहाँ जो है ना बोर्ड पर समझाते हैं या अभी अभी समझा रहे थे यहाँ, दैट इज बेटर फॉर। तो क्लास में पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन क्लासेज की वजह से, बच्चे भी बोलते हैं और चलिए ठीक है सर। चलिए ज़्यादातर सभी जगह यही फीडबैक मिल पाता है, बाकी और क्लासेज में एक बार चल लेते हैं देख लेते हैं। बच्चों रोजाना इसी तरीके से बैठते, बैठ जाइए बेटा बैठ जाइए, रोजाना इस तरीके से बैठते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आप जुड़े रहे, आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम होगा। बैठ जाइए बेटा बैठिए। बेटा कौन सी क्लास है आप लोगों की? अच्छा ये बताओ बच्चों, रोजाना इसी तरीके से बैठते हो या आज बिठाया गया आपको? ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को कह दिया गया हो कि मीडिया वाले आएंगे तो आप लोगों ने एक बेंच पे एक बैठना और रोजाना कह देना कि इस तरीके से बैठना है? चलिए अच्छा ये बताइए, घर से पढ़ना ज़्यादा ठीक है या स्कूल में आना ज़्यादा ठीक है पढ़ना? खड़े होकर के बताएं क्यों, बताओ बेटा। नहीं बता पाओगे? चलो नहीं बता पाएंगे, रहने दीजिए बच्चे, कई बार कैमरे के सामने हिचकिचाते हैं। कोई भी बच्चा बेटा कोई और बताओ, कॉन्फिडेंस तो होगा आपके अंदर, ये तो पता होगा स्कूल में आकर के पढ़ना क्यों ठीक है, घर पे भी आप लोगों ने पढ़ाई की है, कोई नहीं बता पाएगा। चलिए कोई बात नहीं। मैडम आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं क्या? आप मास्क नीचे करें सर। क्या समस्याएं आती हैं ऑनलाइन क्लास? सर एक्चुअली क्या होता है, बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता, जैसे हम यहाँ पे एक एक चीज़ ब्लैक बोर्ड पे क्लियर कर देते हैं, बट वहाँ पे नहीं क्लियर हो पाता बच्चों को, इतना टॉपिक क्लियर नहीं होते हैं बच्चों को, यही समस्या। और भी क्लासेज है मैडम जी? यह कार्यक्रम स्कूल संचालक की परमिशन के साथ दिखाया जा रहा है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइव कार्यक्रम होगा। सीधे सीधे बच्चों से पूछा जा रहा है कि किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं जी? जी बैठिए 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 बैठिए। बेटा कौन सी क्लास है? बच्चों रोजाना इसी तरीके से बैठते हैं आप लोग? फीस के लिए परेशान तो नहीं किया जाता? चलिए ठीक है। देखिए एक बेंच पे एक बच्चा है, दूर से आपको दिखाया गया है, बच्चों में ज़्यादातर क्लास में डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस। और भी क्लासेज हैं जी, आप बताएं किधर? आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज़्यादातर क्लास में विजिट कराने की हम कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा हमसे, बाकी स्ट्रेंथ वैसे ही कम है स्कूलों में आजकल, तो डिस्टेंस का शायद बहुत कम हो पाता है। कौन सी क्लास है बच्चों? बैठ जाइए बेटा। सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोगों को फीस के लिए तो परेशान नहीं किया जाता? पढ़ाई अच्छे से कराते हैं स्कूल वाले? रोजाना इसी तरीके से बैठाते हैं? आज बिठाया गया आपको? आप में से कोई बता सकता है कि पढ़ना ज़्यादा कहाँ पर ठीक है, स्कूल में घर पर? क्यों? खड़े हो जाओ बताओ बेटा आप। ऐसी मास्क नीचे करिए। क्या नाम है आपका? स्नेहा। क्लास? 8th class। स्कूल का नाम? BVC सेकेंडरी स्कूल। सर यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, और घर में हम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते, घर के काम भी रहते हैं। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा बता पाएगा? चलिए मैडम आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं क्या? चलिए ठीक, कोई बात। ज़्यादातर सभी जगह नेटवर्क इशू है ऑनलाइन क्लासेस में, और ऑफलाइन क्लासेस को ज़्यादा बेहतर बताया गया है, बाकी आप सभी को तय करना है। मैडम एक प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल कौन है? बुलाइए प्रिंसिपल।
जी आप जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ, आ जाइए आप हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम होगा ज़्यादातर। आ जाइए सर, इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए सर, आ जाइए सर, यहीं खड़े हो जाइए सर, यहाँ खड़े हो जाइए, इधर क्लियर विजुअल। सर स्कूल चलाने में क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? स्कूल चलाने में समस्या आ रही है, बच्चे पूरे स्कूल नहीं आ रहे हैं, आपकी परमिशन के साथ अंदर आया है जबरदस्ती घुस गया आपके स्कूल? परमिशन के साथ ऐसा नहीं, जबरदस्ती घुस गया? ना जबरदस्ती नहीं आया स्कूल में। चलो ठीक है, तो अब बच्चों को बात करें एहतियात के तौर पर क्या क्या काम कर रहे हैं, मतलब बच्चों को किस तरीके से बिठाने का काम कर रहे हैं? बच्चों को डिस्टेंस से बैठाया जा रहा है, मास्क लगाया जा रहा है, सैनिटाइज स्कूल कराया जा रहा है, कराया जा रहा है। चलिए, BVN स्कूल है, क्या नाम है आपका? चतुर्वेदी शर्मा। चलिए, चतुर्वेदी शर्मा है सर का नाम, BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि डबो कॉलोनी पड़ता है, वहाँ के संचालक हैं, ओनर हैं। विस्तार से सारी समस्याएं इन्होंने बताई, इन्होंने बताया कि फीस की सबसे बड़ी समस्या है जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहा। अगर पेरेंट्स फीस समय पर देगा तो कहीं ना कहीं स्कूल को चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा ही है सर? और कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहते हैं माँ बाप सारे बच्चों को भेजें, सरकार से चाहते हैं फीस दी जाए हमें। चलिए ठीक, धन्यवाद, मैं चाहूंगा बिल्डिंग आप दिखा दें। आप जो हमारी न्यूज़ देख रहे होंगे डिस्प्ले में एक नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा, यदि कोई भी स्कूल आपको मन करता दिखाई दे तो हमें कॉल करें, आपकी बात को स्कूल संचालक संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। धन्यवाद।